दोस्तों, मैं श्रेष्ठ वर्धन और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञानदीप ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक नया टॉपिक लिया है स्कॉलरशिप का, वो है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, कैसे इसके ऊपर से जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं, और ये सब जो है वो आज के हम इस वीडियो में क्या करने वाले दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज, एवरेज यानी कि किसी भी नंबर सो, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी बाइक 40 का एवरेज देती है, 50 का, 60 का, 70 का, यानी कि जो एवरेज स्पीड होती है। ओके, सो यानी कि कभी कभी सपोज आपकी बाइक कभी कभी 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है, कभी 60, कभी 70, कभी 80। अभी आप ऐसे तो नहीं ना कि होगी कि मेरी बाइक एक दिन 50 चलेगी, एक दिन 60 चली, एक दिन 70 और एक दिन 80। तो आपको डायरेक्ट एवरेज बताना पड़ता है। तो कैसे बताओगे आप, इसमें ये जोड़ोगे, ओके, और इन दोनों में ये वाला, इन दोनों में भी ये वाला, और इसको डिवाइड करेंगे 4 नंबर से, इसलिए डिवाइडेड बाय इट्स विल बी 4। ओके, तो एवरेज हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये गली है, ओके, ये तीन गली, गली नंबर एक, गली नंबर दो और गली नंबर तीन। एक गली में 5 इंसान रहते हैं, दूसरी गली में 7 रहते हैं, तीसरे में सिर्फ 2 ही रहते। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि इन गलियों में एवरेज कितने लोग रहते हैं, तो आप कैसे बताओगे, पहले वाली गली में 5, दूसरी वाली गली में 7, तीसरे वाली गली में 2, ऐसा तो नहीं कहोगे, उसका आप एवरेज निकालोगे। ओके, और फिर आपको वो बताना पड़ेगा। यही हम पूरा इसका एवरेज का कंसेप्ट, इसको जड़ से हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले। ओके, सो देख सकते हैं आप बोर्ड पे एवरेज फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, सम यानी कि दोस्तों क्या, एडिशन रहता है, एडिशन ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कि कितने नंबर से। अभी वही एग्जांपल लेते हैं, गली वाला, गली नंबर एक, गली नंबर दो, गली नंबर तीन, थ्री गलिया है, ओके, तीन गलिया है, पहले गली में 5 थे, दूसरी में 7 थे, तीसरी में सिर्फ 2 ही थे। इनका अभी आपको पूछा कि इन तीनों गली में कितने लोग रहते, क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे आप। ओके, सो सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ है ऑल नंबर, ऑल नंबर को आप जोड़ दो, एडिशन, 5 + 7 = 12, 12 + 2 = 14, हाउ मच, 14 लिख दो, अपॉन का साइड है, अपॉन भी लिख देंगे, यानी कि डिवाइड, बाद में टोटल नंबर कितने नंबर है, यानी कि कितनी गली आई, 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 3 डिवाइड बाय 3, इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका, जो आंसर है आपका जो एवरेज वो ये होगा। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट में आएगा, शुरुआत में मैं सिंपल सिंपल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 3 लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। ओके, सो 15 डिवाइड बाय 3 बहुत ही आसान है, 5 आपका आंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, यही आपका एवरेज है, बहुत ही आसान है दोस्तों। ओके, सो और एक एग्जांपल हम करते हैं, वो एवरेज वाला, ओके, बाइक के एवरेज वाला। ओके, सो एक दिन आपके बाइक के, बाइक ने 50 का एवरेज दिया, दूसरे दिन 60 का दिया, तीसरे दिन 45 का दिया, ओके, और चौथे दिन 50 और पांचवें दिन 75 का एवरेज दिया। ओके, इतने हर डेली अलग अलग दी थी, तो आप क्या होगे, एक दिन 50 का एवरेज, दूसरे दिन 60 का, तीसरे दिन 45, चौथे दिन 50 और पांचवें दिन 75, ऐसा तो नहीं कहोगे। ओके, सो आपको डायरेक्ट इसका एवरेज बताना पड़ेगा। ओके, सो क्या करेंगे, 50 + 60 + 45 + 50 + 75 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से अपॉन 5, अब इनको जोड़ दो, एडिशन कर दो। यहाँ पे देख सकते हो 50 + 60 = 110 आएगा, वन, ये डायरेक्ट रफ कर दो, इन दोनों का 110 आया, 110 में ये 50 जोड़ेंगे, 160 आया, ये 5, ओके, 160 70, 80, 95, 195, और उनमें से
उनमें 75 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, 1 कैरी 270 आया। ओके सो यानी कि इसका इसकी जगह हम डायरेक्ट 270 लिख देंगे। ओके और अपॉन में 5 यानी कि डिवाइडेड में 5। ओके सो क्या आएगा, बहुत ही आसान है, 270 डिवाइड 5 1 5 54। आपकी जो बाइक है, आपकी जो बाइक है कितने का एवरेज दिखती है, 54 का। ओके दोस्तों समझ में आया, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले, तो मैं इस पूरे बोर्ड को रफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है। ओके सो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ओके यहाँ से। ओके सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, एवरेज दिया है किसका, यानी कि हमें ढूंढना है। ओके 24, 42, 60, 48, 90 and 72। दोस्तों यहाँ पे हमें इसका जो है वो एवरेज निकालना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने एवरेज का फॉर्मूला भी लिख दिया है, चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ओके सो पहले स्टेप क्या, इन सबको ऐड कर दो। ओके एडिशन करेंगे, 24 प्लस 42। ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, 24 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 90 प्लस 72। ओके दोस्तों सो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 8 14। हाउ मच गाइस, 14, 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 2 16, 6 carry over 1। ओके 1 प्लस 2 गाइस 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लus 4 हाउ मच गाइस, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 7 23। मीन्स द आंसर विल बी 336 एडिशन, इसका जो एडिशन है वो क्या आएगा, 336 आएगा। अपॉन में लिख देंगे टोटल नंबर, कुल मिला के कितने नंबर है, हाउ मच नंबर्स, 1 2 3, ओके 4 5 6, हाउ मच गाइस, 6, अपॉन में 6, इनका क्या है डिवीजन हम कर देंगे, 6 1 6 6 5 30, रिमाइंडर 3 3 और 6 36 6 6 36। आपका जो गाइस यहां पे आंसर है वो है 56, यानी कि इसका जो एवरेज है, एवरेज क्या आएगा, 56 आएगा। ओके क्वेश्चन में अभी फटाफट से रफ कर देता हूं, तो यहां पे क्वेश्चन ले रखा है। ओके क्वेश्चन क्या है, What is the average of first six composite number? First six यानी कि जो composite number है वो हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा को देख सकते हो, scholarship कई सीरीज में है। okay. so composite first six composite numbers के ऊपर हमें जो average है वो पूछा है, और मैं साथ ही साथ यहाँ पे and prime नंबर्स, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स की क्या ऐड कर दिए। ओके सो पहले हम फाइंड करेंगे कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट का। ओके फर्स्ट सिक्स कंपोजिट, 1 नहीं आएगा 2 नहीं आएगा 3 नहीं आएगा 4 आएगा, उसका हमें क्या सम ऑफ ऑल नंबर एडिशन करना है, इसीलिए 4 आएगा प्लस 4 के बाद 5
बिकॉज इट्स ए प्राइम नंबर। बाद में आएगा सिक्स प्लस, बाद में सेवन नहीं आएगा, बाद में आएगा एट प्लस, बाद में आएगा नाइन प्लस, बाद में आएगा टेन आएगा दोस्तों प्लस, बाद में आएगा इलेवन नहीं आएगा दोस्तों, ट्वेल्व आएगा। कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए अपॉन, ओके अपॉन में गया दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर से, हाउ मच सिक्स, सो अपॉन में सिक्स आ जाएगा। बहुत ही आसान, यहाँ पे फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस एट एटीन, एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस टेन हाउ मच गई थर्टी सेवन, थर्टी सेवन प्लस ट्वेल्व ओके फोर्टी नाइन आएगा, फोर्टी नाइन अपॉन सिक्स, इसका डिवीजन कर देंगे, सिक्स वन जा सिक्स यहाँ पे आएगा, सिक्स एट जा फोर्टी एट ओके, वन रिमाइंडर पॉइंट लगेगा टेन हो जाएगा ओके, सिक्स वन जा सिक्स फोर्टी आएगा, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और ये सिक्स के ऊपर बार लगेगा ओके, सो एट पोल सिक्सटीन कंपोजिट नंबर का जो एडिशन है वो क्या आएगा उसके यहाँ पे 8.16 ओके, सो अभी हमने कंपोजिट किया, अभी हमको क्या प्राइम नंबर्स का जो है फाइंड आउट करना है, किसका दोस्त यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर्स प्राइम का ओके, सो प्राइम नंबर्स में पहले सम ऑफ ऑल नंबर्स, वन नाइन प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, बाद में आएगा टू, सो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्लस थ्री आएगा प्लस फोर कंपोजिट है फोर आएगा प्लस सिक्स कंपोजिट है सेवन आएगा प्लस एट कंपोजिट है नाइन कंपोजिट है टेन कंपोजिट है इलेवन आएगा, कितने आगे वन टू थ्री फोर फाइव और एक ट्वेल्व कंपोजिट आएगा, सॉरी ट्वेल्व कंपोजिट होगा थर्टीन आएगा यहाँ पे ओके, हाउ मच गाइस नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स, नाइस ओके, सो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, टेन प्लस सेवन सेवनटीन, सेवनटीन प्लस इलेवन ट्वेंटी नाइन सॉरी ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस थर्टीन, ट्वेंटी एट प्लस थर्टीन आएगा एट प्लस थ्री इलेवन, टू थ्री फोर फोर्टी वन आएगा ओके, मीन्स फोर्टी वन अपॉन सिक्स आएगा ओके, यहाँ पे फोर्टी वन और यहाँ पे सिक्स लिख देंगे ओके, सिक्स ओके सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स आएगा, रिमाइंडर विल बी फाइव, पॉइंट लेंगे जीरो आएगा ओके, सिक्स एट जा फोर्टी एट, टू विल बी रिमाइंडर जीरो आएगा ट्वेंटी, सिक्स थ्री जा एटीन, बाद में फिर से टू और थ्री के ऊपर बार ओके, यानी कि जो प्राइम नंबर्स है उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा दोस्तों 6.83, ये इसका ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान, सो मैं भी ये सब रफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले आया है, क्वेश्चन है और यहाँ पे हम इसका आंसर क्या है लिखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन एक क्रिकेट मैच में स्कोरर मेड अ स्कोर ऑफ फाइव इनिंग्स ईच, यानी कि उसके पांच इनिंग्स में जो स्कोर बने वो क्या है 84 93 51 78 एंड 40, मींस पहले इनिंग में उसने 84 का स्कोर बनाया, दूसरे मैच में उसने 93 रन बनाए, तीसरे मैच में उसने 51, चौथे में उसने 78 और पांच में जाके 40 बनाए ओके, सो ये भी हम पूरा फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ओके, यानी कि हमें इसका क्या एवरेज बताने की, उसने एवरेज कितने स्कोर बनाया उसने
उसका एवरेज कितना स्कोर है। सो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर यानी कि 84 + 93 + 51 + 78 + 40 ओके गाइस, और अपॉन में सीधा सीधा लिख देंगे टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 अपॉन में लिख देंगे सीधा सीधा 5 आया। सो अगली स्टेप 84 + 93 + 51 + 78 + 40 करेंगे, 84 + 93 + 51 + 78 + 40 ओके। यहाँ पे अब इसका क्या आंसर लिखेंगे, 4 + 3 = 7 + 7 + 1 = 8 + 8 = 16 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 9 18 18 + 5 23 23 + 7 30 30 + 4 34 यानी कि 346 जो है वो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 346 अपॉन में 5 ओके। सो इसको डिवाइड सीधा सीधा करेंगे, यहाँ पे 346 डिवाइड बाय 5 5 6 30 रिमाइंडर विल बी 4 6 नीचे आएगा ओके। 5 9 45 रिमाइंडर विल बी 1 पॉइंट लगा देंगे 0 लेंगे 5 2 10 आंसर 0 0 यहाँ पे रिमाइंडर। यानी कि इसका जो एवरेज है इन सब में ये जो खेला है ये जो बंदा क्रिकेट में खेला है उसका जो 5 इनिंग का जो एवरेज रन है वो क्या है 669.2 ओके। एवरेज रन्स इज इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 69.2 ओके। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब समझ गए होंगे आप और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके। सो आज का ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो नीचे जाके लाइक पे प्रेस कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचे ओके। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा लाइन लाइन सेगमेंट और इसके जैसा कुछ ज्योमेट्री में ओके। सो अगला वीडियो आने तक गुड बाय।